हूं किरण यादव। एलजीपी में बगावत के बाद अब चर्चा का बाजार गर्म है। हर कोई इसे अपने तरीके से बता रहा है। किसी का कहना है कि नीतीश से दुश्मनी चिराग को भारी पड़ी, तो वही कुछ लोग बोल रहे हैं कि जेडीयू के एक दिग्गज नेता ने इस टूट में अहम भूमिका निभाई। लेकिन एलजीपी के सूत्रों ने जो बताया वो सत्ता की कुर्सी से जुड़े समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस टूट में अगर सबसे अहम भूमिका किसी की है तो वो खुद चिराग के चाचा यानी पशुपति पारस की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग ने एनडीए से अलग रहकर चुनाव लड़ने का प्लान पार्टी के सामने रखा, तभी से पशुपति पारस इसके खिलाफ थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने काफी अनमने ढंग से इसके लिए सहमति दी थी, या फिर हम यूं कहें कि पशुपति किसी भी हाल में एनडीए के खिलाफ जाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन रामविलास चिराग को पार्टी का नेता घोषित कर चुके थे और ऐसे में चिराग की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। अब ऐसे में आप पशुपति पारस का सियासी दाव समझिए। रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही पशुपति चिराग के सभी फैसलों पर सिर्फ मौन रहकर सहमति दे रहे थे। एलजीपी के सूत्रों के मुताबिक पशुपति का ये मानना था कि एनडीए से बिहार में अलग होकर पार्टी और खासकर उसके सांसदों को कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सूत्र तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि पशुपति की इच्छा काफी आगे बढ़ चुकी थी। चिराग से इतर वो खुद को रामविलास पासवान का वारिस मानते थे। एक सूत्र के मुताबिक उन्होंने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन बात आई गई हो गई थी। लोगों ने इसे भाई का भाई के लिए प्रेम ही समझा। योजना तैयार थी, कैसे क्या करना है ये सबको सब कुछ पहले से पता था। लेकिन जो होना था उसकी तैयारी तब शुरू हुई जब 4 दिन पहले मोदी कैबिनेट में विस्तार की धीमी आहट शुरू हुई। जेडीयू के एक बड़े नेता इस प्लानिंग का हिस्सा जरूर थे, लेकिन वो इसके सूत्रधार नहीं थे। सबको पशुपति पारस की हरी झंडी का इंतजार था। एलजीपी के हमारे सूत्र के मुताबिक केंद्र में कुर्सी के लिए पशुपति को मौके का इंतजार था और आखिर वो मौका उन्हें मिल भी गया। यानी कि बंदूक पशुपति की, कंधा जेडीयू के बड़े नेता का और निशाना केंद्र की कुर्सी।